है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा, वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते फिरोजाबाद में जुम्मे के दिन लोगों ने घर में पढ़ी नमाज। जी हां, अभी तक 26 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। चूड़ियों के शहर में 5 हॉटस्पॉट इलाकों को सील किया जा चुका है। बता दें, यूपी के फिरोजाबाद में आज जुम्मे के दिन मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की, जिसका कारण था कि जिला प्रशासन का यह आदेश के लॉकडाउन के चलते किसी भी परिस्थिति में कोई भी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा। इसी को देखते हुए मुस्लिम समाज ने भी एहतियात बरता और अधिकांश घरों में लोगों ने नमाज अदा की। दरअसल फिरोजाबाद में अब 26 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिसमें कई जमाती हैं या जमातियों के संपर्क में थे, जिस कारण मुस्लिम समाज के बड़े इलाके में सीलिंग की कार्यवाही कर दी गई है। उन इलाकों में ना तो दवा की दुकान खोली है और ना ही अन्य कोई व्यक्ति जा सकता है, जिसको लेकर बीती रात ही मुस्लिम समाज ने यह निर्णय लिया कि सभी लोग घर में ही नमाज पढ़ेंगे। इसी के मद्देनजर ही मुस्लिम समाज में घरों में ही आज नमाज अदा की गई। वहीं कई लोगों का तो यह भी कहना था कि वे पांचों वक्त की नमाज और इबादत घर में ही करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़रियाब है। ज़रियाब जी, आज जुमा है और आप घर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हम सबको इसकी वजह से मस्जिद में जाने की परमिशन नहीं है और हम घर पर रहकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का सिर्फ और सिर्फ एक ही अभी तक इलाज मिला है, जो कि है डिस्टेंसिंग, और डिस्टेंसिंग की वजह से ही हम बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे अपील भी करूँगा मुसलमानों से कि घर में रहकर नमाज़ पढ़ें और घर में ही रहकर सारी इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगें कि हम सबको इस बीमारी से निजात मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिम अख्तर है। आज जुमा है तो आप घर पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? कोरोना फैला हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो हम जुमे की ही नहीं पांचों वक्त की नमाज घर पर ही पढ़ रहे हैं। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि रमज़ान आ रहे हैं तो घर पर ही इबादत करें तो बेहतर है, और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगें।